देख रहे हैं लाइव टुडे, तेज नजर सही खबर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं योगी कैबिनेट के अहम फैसले। बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ये वो फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं। माटी कला बोर्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सरकारी कार्यक्रमों में होगा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल, ये फैसला भी लिया गया है इस कैबिनेट बैठक में। परिवहन विभाग के कर्मचारियों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट में 7वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है। सिंघाड़े पर लगने वाले मंडी शुल्क और सेस को खत्म किया गया है। निजी औद्योगिक पार्कों के लिए सर्किल रूट में छूट की भी घोषणा की गई है। 50% की छूट योगी सरकार देगी। निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। फ्रीडम फाइटर परिजनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। 15,000 से बढ़ाकर 20,000 ये राशि की जा चुकी है। अब पीपीगंज के विकास खंड का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। भरुइया को नया ब्लॉक बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 34वीं वाहिनी पीएसी में सेनानायक आवास के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। 300 व्यक्तियों की क्षमता का हॉल बनाने को मंजूरी मिली है। यूपी मोटरयान नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राजकीय इंटर कॉलेज में कंप्यूटर प्रवक्ता पद के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। परिवहन विभाग में 587 मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी, इसका ऐलान किया गया है। स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस का जारी किया जाने का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। नवंबर 2018 तक के लिए ये समय बढ़ाया गया है।